तो अभी इसमें जादवपुर से हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर। और अभी मैंने पहले एक इंटर्नशिप किया हुआ था, और उससे पहले मैंने एक स्टार्टअप किया हुआ था, उसमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटर्नशिप पहले किया हुआ था। उसके पहले मैंने एक मतलब 3 महीने का, 3 मंथ्स का प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटर्नशिप किया था। उसके पहले मैंने एक स्टार्टअप किया था, जिसमें बस मतलब 2 हफ्ते ही ऐसे किया था। और पहले तो एक ये अच्छा सा रिज्यूमे बना लो, पहले अपना जो भी है अच्छा सा रिज्यूमे बना लो। फर्स्ट थिंग्स तो ये हो गया। सेकंड चीज़ ये होगा, एक अच्छा सा कॉवर लेटर लिख लो, ठीक है। उस कॉवर लेटर मतलब उसको जनरलाइज भी रख सकते हो, और उसको मतलब ऐसे 3-4 पॉइंट बना लो अपने बारे में। उसके बाद उस कॉवर लेटर को हर जगह यूज करो, और देखो कंपनी क्या मांग रहा है, उसका क्या बोलते हैं, उसका जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन में जाके उसका कंपनी क्या क्या मांगता है वो पहले देख लो। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा उसमें मतलब पिक करके फिर उसको डाल दो, तो शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। क्यूबेट का यही सबसे अच्छा चीज लगा मेरे को, कोई फालतू बेकार मतलब स्टार्टअप नहीं आता है, इंटर्नशिप नहीं आता है, जो लोग सीरियस है वही आते हैं, ठीक है। जैसे और सारे ये है प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर बहुत सारा स्कैमर वगैरह बैठा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही बोलते हैं काम करो और फ्री में मतलब कर लो, ये कर लो, ठीक है। मतलब फ्री में ठीक है, अगर सीखने के लिए कर रहा हूँ तब भी सही है, ठीक है। लेकिन मतलब बहुत सारा ऐसा है कि काम करवाएगा और काम के नाम पे कुछ नहीं करवाएगा, उल्टा उल्टा उन लोगों का ही मतलब कुछ भरवाता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। तो कीवेट बहुत ही अच्छा है इसके लिए। उसके लिए मैंने पहले 3 मंथ इंटर्नशिप किया था, उस तो उधर फिर से मैंने सीखने के बाद कीवेट में आके अप्लाई किया और समझिए इसमें लग समझिए गया। समझिए।